गाइस या वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का फ्लीट एसएमपी के एकदम ब्रांड न्यू एपिसोड में। सबसे पहले तो सभी लोगों को थोड़ा सॉरी कि फ्लीट एसएमपी का एपिसोड बहुत ज्यादा लेट आया। अगला एपिसोड में पूरा ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आए, बट थोड़ा सा 30 डेज 30 वीडियोस वाला चैलेंज चल रहा है तो उसमें ना बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने पड़ते हैं, फ्लीट एसएमपी में काफी टाइम लगता है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हुई, मुझे और रॉनी को जाके दोबारा से बंद कर दिया गया था ये सस्पिशन में कि हमने किंग का कोई बंदा मार दिया था भाई, जबकि हमने वो करा भी दिया था, हमें पता भी नहीं है वो एरो किसने मारा, हमारा कोई स्नाइपर भी नहीं बैठा हुआ था, बट किंग का कोई बंदा मरा और हम लोगों को वहां पर जेल में डाल दिया गया, जहां पर हम लोगों को निकाला जरूर गया बट रॉनी को वापस वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद मुझे वो लेके गए एक जगह पर जहां पर उन लोगों ने मुझे टूटे फूटे आर्मर दे दिए, टूटी वीपी स्वॉर्ड दे दी और फिर बोला कि एक पीवीपी टूर्नामेंट में मुझे जीतना होगा अगर मुझे अपना और मेरे सारे के सारे दोस्त की फ्रीडम जीतनी है तो। पर वहीं पर आई एक लड़की जीरो, जो बोल नहीं रही थी बट वो लिख के मुझे सारी चीजें बता रही थी और उसने मुझे बताया कि कैसे ये लोग पीवीपी टूर्नामेंट्स को रिग करते हैं। कहने का मतलब है कि कैसे ये लोग हम लोगों को टूटे फूटे आर्मर देते हैं और सामने वाला एकदम फुल्ली पैक्ड आर्मर में सब चीजों में आता है वेपन्स में और उसके बाद वो आके हमें हरा देते तो हमारे पास चांस ही नहीं होता जीतने का। बट जीरो ने फिर मेरे को एक बढ़िया सा आर्मर दिया और उसके साथ दिया एक बहुत बढ़िया स्वॉर्ड, जिसकी वजह से भाई मैं मजाक नहीं करूंगा मेरी स्किल्स तो थी बट उसके बाद मैं गया पीवीपी टूर्नामेंट में जहां पे मुझे किंग भी मिला और एकाएक मैंने सारे के सारे बंदों को मारना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आया एक एक्स वाला बंदा जिसे मैंने मारा, फिर आया एक स्वॉर्ड वाला बंदा जिसे मैंने मारा, फिर आया एक बो वाला बंदा जिसे मैंने मारा और फाइनल में आया द वन एंड ओनली किंग का अपना बेटा, जिसके साथ पीवीपी बहुत लंबा खींचा क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया प्लेयर था पीवीपी का। हम लोगों ने भाई बिल्कुल एकदम एंड तक का फाइट करी बट फाइनली भाई तुम्हारे भाई ने प्रिंस जॉर्ड को भी मार दिया। अब दिक्कत यह है कि किंग आगे हम लोगों का क्या करेगा क्योंकि उसके बेटे को हमने मार दिया है, वो देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं जो भी होगा हम लोगों के साथ, बट हम लोगों को यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता भाई जैक देव बल्लू ये सारे कैसी हालत में होंगे यार, हम लोग तो यहाँ पर आगे मैंने रॉनी को ऑलमोस्ट छुड़ा भी दिया है बट आगे क्या होगा, क्या किंग अपनी बात को मानेगा और हम लोगों को यहाँ से फ्री करेगा या फिर हम लोगों को भाई वो रोक देगा या फिर हमारे साथ क्या करेगा मुझे पता नहीं है। तो प्लीज यार जिसने भी ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 200 लाइक का गोल है तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो और जो भी नया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज बहुत ज्यादा हैक्टिक होते जा रहा है गाइस, तो अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे और वो बेल आइकन को ऑल पे दबाओगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा भाई को, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और चलो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या किंग हमारी हेल्प करेगा। मेरा बेटा क्रैम, ह्यूमन ने क्या करा ये? मेरा लौता बेटा था क्रैम, इतना बड़ा राजा बनता वो इस पूरे ओशन डिस्ट्रिक्ट का, कितनी बीवियां होती उसकी, मेरे वारिस होते, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। मेरा लौता बेटा क्रैम, नहीं किंग मेरी बात सुनो, किंग मेरी बात समझो, मैंने तुमसे बोला था बहुत बार कि भाई मत करवाओ ये पीवीपी यहीं पर रोक दो, जब मैं चुप, बिल्कुल चुप, मुझे पता है मैंने क्या किया। तो किंग यार जब मैंने बोला आपसे कि पीवीपी रोक दो तो एक बार रोक दो ना यार, उस समय बोला इतनी बार आपने मेरी बात नहीं मानी और अभी बिल्कुल चुप। बिल्कुल फेयर फाइट थी वो तुम अच्छा ही होता हो इस वजह तुम जीत गए, क्राइम को भी वीर गति मिली, किसी गंदी मौत मरने से तो यही मौत बड़े थे कि युद्ध में मरा वो, लेकिन कोई बात नहीं, होगा सबका हिसाब होगा। तो किंग जो हमारी डील हुई थी कि अगर मैं ये पीवीपी टूर्नामेंट जीत जाता हूँ तो तुम मेरी मदद करोगे मेरे दोस्तों को ढूंढने में और इस प्लेनेट से निकलने में, तो वो डील अभी भी है ना? वो डील तो तुम्हारी अभी भी है, तुम्हारे सारे दोस्तों को यहाँ से निकलने में मदद करूंगा और तुम्हारा यहाँ से नामो निशान मिटा दूंगा इस प्लेनेट पे से। मतलब नामो निशान मिटा दूंगा मतलब तुम्हें यहाँ के पोर्टल तक मैं छोड़ के आऊंगा और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी। तो इसका मतलब कि तुम हमारी हेल्प करोगे राइट हमारे प्लेनेट में जाने तक का? हाँ मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, जो मैंने बोला वो पक्का है। अरे भाई किंग की जय हो, किंग की जय हो, किंग की जय हो, थैंक यू किंग, मुझे पता था तुम एक अच्छे किंग हो और तुम अच्छे गार्ड्स। अरे भाई चलो इसे लेके, कहाँ ले जा रहे हो? होटल तक नहीं जाओगे क्या? अपने दोस्त से नहीं मिलोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किंग तुम्हारा बेटा भी बहुत ज्यादा पावरफुल था तो उसकी उसने कहाँ से? मत करो अपने मुंह से, मत निकालो उसकी बात। ठीक है सॉरी
चलो मेरे पीछे पीछे आओ जी। गार्ड्स देखते रहना इंसान भागे ना। मैं भागूंगा क्यों, अब तो मैं फ्री हूँ ना। सही बात है। तो किंग मैं आपके साथ बैठ जाऊँ फिर इस पे? चलाओ बोट। मैं अच्छा मैं चलाऊँ तो मैं किंग, ऐसे तो मैं आपको किडनैप भी कर सकता हूँ। करके देखोगे किडनैप? नहीं। गार्ड जाओ पीछे पीछे। मुझसे बोट चलवा रहा है, तुझे तो बताऊंगा। सही तो जा रहे हैं ना हम किंग? हाँ सही जा रहे हैं। तो आपका जो बेटा था वो कहाँ से, उसने पूरा पीवीपी ये सब सीखा मैं था? मैं तुम्हें दूसरी बार बोल रहा हूँ, मेरे बेटे का नाम मत लो अपने मुंह से। मुझे माफ कर दो किंग। हर बार एक गलती मत दोहराओ, अगली बार माफ नहीं करूँगा मैं। जी चलो गार्ड्स, और तुम ह्यूमन हाँ तुम भी आगे चलो। आगे चलूँ? मुझे तो रास्ता ही नहीं पता है। चलो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वैसे तुम्हें रास्ता पता होना चाहिए था, इतना तुम घुसपैठ जो कर चुके हो यहाँ पे। अरे किंग मुझे जरूरत, मुझे कुछ करने की जरूरत थोड़ा थी। आप अगर मेरे दोस्त को ऐसे पकड़ के रखोगे तो मुझे करना पड़ा ना। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोग इतने अच्छे लोग हो। अच्छाई लोगों की हमेशा उन्हें मार खाती है, तुम्हें पता नहीं क्या? हाँ आपका बेटा बहुत अच्छा था पीपी में, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, चाहे आपको कितना ही बुरा लगा पर वो बहुत। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, पूरा यहाँ का सम्राट बनता वो। पर किंग मैं कैसे बताऊँ, मैंने आपसे दो बार बोला, तीन बार बोला कि प्लीज ये पीपी रुकवा दो, ये रुकवा दो पीपी। आपने उस समय पे अपनी अकड़ रखी। बस मैं किंग हूँ, मेरे दोस्त बनने की कोशिश मत करो, समझ गए? जी किंग। भूला नहीं हूँ मैं कुछ भी, वो तो अपनी बात का पक्का हूँ, इसलिए तुम्हें लेके जा रहा हूँ। जी चलो गार्ड्स। तो किंग ये पूरी डिस्ट्रिक्ट बनी कैसे? ओशन में इतना बड़ा महल बनाने तक का आप कहाँ से लेके आए लोग? ये सारा हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है। तो आपके पूर्वजों ने आपको कहानी तो बताई होगी? हाँ हाँ सुना तो रहा हूँ तुम्हें मैं कहानी, कहानी तो सुनाऊंगा तुम्हें मैं। आओ, पूरा का पूरा ये बहुत दूर दूर से, बहुत अलग अलग जगहों से मिस्त्री लाए थे यहाँ पे जी। सारा बनाया गया पूरे, देख रहे हो कितने पहाड़ काट के बनाया गया, ये देखो। हाँ। देखो पूरा हाँ। ये कासल, इस कासल को बनने के लिए 150 साल लगे, इस कासल को पूरा होने के लिए 150 साल और 150 यहाँ के साल। अब जहाँ का तुम ग्रह से आए हो वहाँ मेरे को नहीं पता। अच्छा तो हो सकता है आपके 150 साल 150 दिन हो हमारे वहाँ, या या 150 सेंचुरी भी हो सकती है किंग, 150 सेंचुरीज भी तो हो सकती है। हाँ। क्या पता। दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें दूसरी बार बोल रहा हूँ। जी किंग चलो पीछे पीछे आओ मेरे। किंग तो बहुत गुस्सैल आदमी है भाई। अच्छा तो किंग ये जो जगह बनी हुई है इसे कितने साल हो गए? 150 साल तो आप बोले से बनने में लगे, पर ये जगह को हो कितने साल गए? थोड़ा टूर दे देते। कितनी होगी? हाँ मेरी उम्र कितनी होगी? आप तो 15-20 साल के लग रहे ज्यादा से ज्यादा। मेरी उम्र 269 साल है, समझते हो? तो आपका और जिसको तुमने मारा क्रैम, उसकी उम्र 90 साल थी। 90 साल में इतना अच्छा पीवीपी कर रहा था वो। मेरा बेटा तो भी जवान ही था, तुमने पूरे राज्य का भविष्य छीन लिया मेरे से। इतना छोटा था भी मेरा बेटा और इतनी सी उम्र में इतना बड़ा योद्धा बन गया था। लेकिन तुम, तुम्हारे किए का तुम्हें दंड तो जरूर मिलेगा। दंड? अरे भाई मैंने तो पीवीपी में हराया ना उसको, नॉर्मल पीवीपी में। हाँ मतलब तुम अपने घर जा सकते हो। अच्छा तुम्हें मैं छोड़ के आऊंगा गार्ड्स के साथ। अच्छा तो एक तरह से ये जगह से निकाला ही हमारा दंड है। हाँ, कि हमें हाँ, से हाँ। तो निकाल दो भाई, हमें मेरे को चाहिए ये दंड भाई प्लीज। मैं और मेरे दोस्त रॉनी दोनों को यहाँ से, मतलब हमें हमारे वहाँ छोड़ दीजिए ना, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये तो हमारी है ही नहीं ना जगह। हमारा भी एक शहर था, मैं बताता हूँ आपको हमारे शहर के बारे में। हमारा एक हमारा एक शहर था, हमने बहुत मेहनत से धीरे धीरे करके बनाया था वो। हमारे वर्ल्ड का पहला इकलौता ऐसा अलग सा वर्ल्ड थी, अलग सी दुनिया थी वो, जिसमें मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने उसमें काम करना शुरू करा। हमने वहाँ पे मंदिर बनाया,
हमने वहाँ पे कासल बनाए, हमने वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई जो दूर दूर से लोग उसे देखने भी आते थे। वहाँ पर ऐसे ऐसे खतरनाक होते थे, सेलिब्रिटीज़ आते थे कभी कभी, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह थी। पर फिर वहाँ पर एक नियो गॉड और एंडर गॉड नाम के लोग आए, जिनने बाद जिन्होंने बाद में मिल के अपना असली रूप दिखाया जो था डीमन किंग। और फिर उस डीमन किंग ने हमारी पूरी वर्ल्ड को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, पर हम लोग उसको पकड़ने में कामयाब हुए। पर उसके बाद आया एक उससे भी खतरनाक जीव जो था बारबेरियन किंग, और उसको हम लोगों ने हराने की कोशिश करी पर हम हरा नहीं पाए। उसने हमें हमारे वर्ल्ड से ही निकाल दिया, पूरा डिस्ट्रॉय करके वर्ल्ड को। अब हम लोग अपना वर्ल्ड कैसे वापस लेंगे मुझे नहीं पता, पर अगर हम यहाँ से निकलेंगे हम तभी ले पाएंगे। तो किंग प्लीज मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में और मेरे दोस्त को भी निकालो। मैं तुम्हारी मदद कर ही रहा हूं। मैंने पहली बार ऐसा किंग देखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कहने का मतलब उसने कुछ अगर करा है, उसने कुछ प्रण लिया है तो वो कर रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे को आपके बेटे को मारना पड़। अच्छा तुम्हें मैंने पहले बोला था तुम मेरे बेटे का नाम अपने मुंह से मत लो। किंग मैं तुम मेरी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठा रहे हो। किंग मैं सॉरी किंग। आ जाओ। अच्छा तभी तुम यहाँ पे पहुंचे हो। हाँ इसी से तो हम इस प्लेनेट पे आए। हमारी तो मदद वो थी, हमारे एक दोस्त ने बल्लू नाम का दोस्त था, उसने हमारी मदद करी और हमें यहाँ तक लेके आया वो इस प्लेनेट तक, ताकि हम सारे के सारे दोस्त बच पाए। गार्ड बोर्ड लेके इधर आओ। हाँ गार्ड्स बोर्ड लेके आओ। बैठो तुम इसके पीछे। हाँ जी नहीं तुम वापस आओ इधर आओ। गार्ड को पीछे, गार्ड पीछे को चलो। जी किंग। गार्ड उतर, तुम बोर्ड चलाओ। तुम अच्छे ही होता हो, बोर्ड चलाओ। जी किंग। तो तुम्हारे शहर में अगर वो आदमी ना था जिसके तुम बात कर रहे हो, मैं नाम तो हमारा शहर जो फूलता फलता मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। जो हमारे शहर में हम चीज़ें करते ना वो आप देख के हैरान हो जाते, जो हमने पहले भी करी, जो चीज़ें हुई हमारे शहर में। बहुत बहुत बुरी बुरी आत्माएं आई, सब कुछ आए, पर हमने हर किसी से लड़ा। पर उस आदमी ने जो हमारे साथ अलग लेवल पे दिमाग पे खेल दिया ना हमारे, मैं बता भी नहीं सकता आपको। हमें तो लगा हमने उसे मार भी दिया, पर आखिर में हमें पता चला कि हम किसी के दिमाग के अंदर थे उसे मारते समय। मैं बता भी नहीं सकता आपको कितना खतरनाक हुआ वो। ओह मतलब ये जगह है, तुम्हें पागल बना दिया गया है। जी किंग। मतलब तुमसे बड़ा योद्धा है कोई इस दुनिया में जिसने तुम्हें हराया? उसने हमें छल कपट से हराया, वरना मुझे कोई हरा नहीं सकता ऐसे किंग। उसने हमें छल कपट से दिमाग लगा के अपना सब कुछ हरा दिया, वरना अगर वो सामने सामने लड़ता तो ख़त्म था वो। लेकिन जैसे मैंने तुम्हारे सारे योद्धाओं को मारा ना 1v1 में जब प्रॉपर पीवीपी हुआ, तो वैसे मेरा वो कहने का मतलब कंट्रोल किंग कंट्रोल। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुमने मारा बहुत बढ़िया बात है, शांत हो जाओ। कोई नहीं आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तुम्हारे जैसे योद्धा का तो बहुत बुरा होने वाला है। पर आप ले जा कहाँ रहे हो? तुम आओ तो सही पीछे पीछे, तुम्हें पोर्टल के पास लेके जा रहा हूँ मैं। तुम्हारे दोस्त से नहीं मिलना क्या तुम्हें? आके मिलना है किंग, क्यों नहीं मिलना है मुझे? हाँ। बस आप यहाँ से निकाल दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए और, मुझे बस आप यहाँ से निकाल दो एक बार। हाँ हाँ तुम्हें कुछ वैसे भी नहीं मिलने वाला यहाँ से, तो क्या ही लोगे यहाँ से, सब कुछ तो तुम ले चुके हो। किंग मैं तुमसे अभी भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ किंग, आई एम रियली सॉरी, जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और मैं चाहता हूँ कि मैं बस चाहता हूँ कि यहाँ से हमारा जो रिलेशन है वो अच्छे से चले, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी मदद के बिना मैं इस प्लैनेट से नहीं निकल पाऊँगा किंग। तुम मुझसे रिलेशन अच्छा करना चाहते हो मतलब? हाँ जी। तुमने मेरा बेटा मारा और तुम मेरे से रिलेशन अच्छा करना चाहते हो? किंग वो तो पीवीपी आपने ही करवाया ना यार। मैं तुम्हारा दोस्त को भी मार देता हूँ और फिर मैं तुमसे बोलूँगा मुझे तुमसे अच्छे रिलेशन करने हैं। रॉनी को छूना भी मत, ना आपके गार्ड्स और ना मेरे। कहने का मतलब किंग आप समझने की कोशिश करो, मैं मेरा इंटेंशन था ही नहीं, मैं कभी ऐसा करना ही नहीं चाहता। मैं तो डीमंस को भी मारने से 10 बार पहले सोचता हूँ। मैं आपसे 4 बार चीख चीख के बोला मैंने कम से कम कि
प्लीज ये पीवीपी रुकवा दो, प्लीज ये पीवीपी रुकवा दो अपने। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ से मिटाने वाला हूँ। मिटाने वाला हूँ? हाँ हाँ, मतलब तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्तों को यहाँ के पोर्टल पे छोड़ूंगा ना, ताकि तुम दुनिया में चले जाओ। अच्छा हाँ, ये है आओ 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 मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गार्ड्स हैं, ह्यूमन को लेके आओ। ये कहाँ जा रहे हो? यही तो पोर्टल है, यही तो हमारा इन्फिनिटी पोर्टल। ये पोर्टल है, ये तो पोर्टल नीचे आओ ह्यूमन। आ रहा हूँ। नीचे आओ, नीचे आओ। ये कैसा पोर्टल है? मैंने तो बहुत पोर्टल देखे हुए पर ऐसा पोर्टल तो कभी देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तुम देखोगे यहाँ का पहला पोर्टल। वहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है, बट यहाँ पे पोर्टल कहाँ है? रेंडर नहीं हो रहा है क्या पोर्टल? किंग यहाँ तो कोई पोर्टल ही नहीं है, या रेंडर नहीं हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं पोर्टल नहीं दिख रहा? नहीं, जाओ फिर देख के आओ। व्हाट? ओ बच गया। मेरे बेटे को मारा है ह्यूमन ने। आ जाओ गार्ड्स। अरे किंग, किंग भाई धोखेबाजी। व्हाट भाई, किंग ने धोखा कर दिया है। वापस आ किंग। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से निकल जाओगे मेरे बेटे को मार के? मैं तुम्हें पीछे छोड़ूंगा, अपने दोस्तों से मिलने दूंगा हैं? पर किंग तुमने वादा किया था, ये कैसा धोखा है भाई? ये धोखा नहीं है, अपने साथ देखो, पहले वाले प्रिजनर से खोपड़ियां पड़ी होंगी उधर, तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। अब रहो पूरी जिंदगी इसी प्रिजन में, मेरे बेटे को मारा ना तुमने, अब रहो इधर ही। चलो गार्ड्स। व्हाट, अबे ये कैसा किंग है भाई? अबे धोखा धोखा कर दिया भाई, ये किंग ने तो धोखेबाजी कर दी भाई, मेरे को यहाँ पे बंद कर दिया, वो तो मेरे को ये दिख गया था भाई स्नो। ओ भाई साहब मैं बच गया इसकी वजह से, बट उसने भाई, अबे यहाँ पे भाई मुझे लग रहा है, एक मिनट, पर वो बोल के नहीं गया कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, यहाँ क्या क्या है अपने पास भाई? ये क्या है भाई, ये प्रिजन में यहाँ से निकलू कैसे? वोट भाई, कोई मेरी मदद। जीरो जीरो, हाँ कहाँ गई? अबे जीरो दिखी ना यार, मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है गैस भाई, मैं क्या करूँ, मैं निकलूँ कैसे यहाँ से? मुझे रोनी को भी बचाना है भाई, देव जय कि ये सब कैसे कैसी हालत में होंगे मुझे पता नहीं है भाई। अबे यार भाई, जीरो मेरी मदद करो, जीरो जीरो, एक मिनट, ये भी मिली हुई थी क्या उसमें? कहाँ गई हैं? अबे भाई यार, ये सारे भाई मिले हुए थे क्या यार? मैं तभी बोला जीरो है कौन भाई, इसने हमारी इतनी मदद करी और अब गायब हो गई है, और मैं इस जगह से निकलूंगा कैसे भाई? मेरे को रोनी को भी बचाना है, यहाँ से निकलना है, देव बल्लू जैक सब लोग पता नहीं कैसे होंगे भाई। भाई हम लोग कभी भी अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जा पाएंगे भाई, मुझे लग रहा है मेरी भी हालत कहीं ऐसी ना हो जाए। अब क्या करूं, स्टोन आयरन इतने से कहाँ होगा? 48 से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई ये, अगर मुझे उस प्लेटफॉर्म तक भी पहुँचना है जहाँ पर से मेरे को धक्का दिया है, तो 48 कहाँ, ये तो 100-200 ब्लॉक है, एट लीस्ट 150 ब्लॉक तो होंगे ही भाई। ये इतना लंबा बेडरॉक प्रिजन बना के रखा हुआ इनने, एक आयरन, देखो देखो एक काम करते हैं, हम लोग बस सोचते हैं यहाँ से निकला कैसे जा सकता है, क्योंकि हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते भाई। हम लोग 48 49 ब्लॉक्स हैं, अगर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को भी गिन ले 49 50, अगर हम लोग बेड को भी देख ले, एक बार रुको पहले चेक कर लेता हूँ मैं बेड को, अगर मैं ऐसे लगा दूँ, यस ठीक है, मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, बट अगर मैं ये खोपड़ा निकाल लूँ इस प्रिजनर का और इसको यहाँ पर रख दूँ, हाँ तो मैं निकल पा रहा हूँ। ओके तो यहाँ से एक ब्लॉक ये हो गया, अपने पास कितने पड़े हैं, एक ब्लॉक दो ब्लॉक 48 50 ब्लॉक 51 ब्लॉक। अबे 51 ब्लॉक में कैसे निकलूंगा मैं? चलो ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं तो एक ब्लॉक इसका भी ऐड कर लो राइट, तो 52 ब्लॉक 52 ब्लॉक्स नहीं है ये, कम से कम 100-200 ब्लॉक है भाई, कैसे निकलेंगे? 100-200 ब्लॉक ट्रैवल करने हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट, अगर मैं ये स्टोन का स्टेयर बना दूं तो चार, अपने पास कितने हैं, चार निकल रहे राइट, हर सिक्स से चार निकले, सिक्स से ही राइट,
और अपने पास इतने हैं हम लोग, 4 8 कितना, 4 8 32। अरे स्टेयर्स क्यों बना रहा हूं मैं, व्हाट बेवकूफ भाई। ओके 16 16 16 6 ये हो गए, 6 16 6 16 जा कितना होगा, 6 16 जा कितना होगा, 6 16 जा 60 36 60 36 60 96 96 97 उस हड्डे के साथ 97 98th block 98 99। और एक मिनट, ये डबल चेस्ट राइट, अगर मैं इसको काट दूं तो ये 2 chests बन जाएंगे राइट। ओके ओके कितना, 96 97 98 99, फिर ये आयरन का ब्लॉक। ओके ओके 96 ब्लॉक बनेंगे स्टोन से, 96 ब्लॉक्स, फिर उसके बाद 2 chests, 96 98 99 100 1 2 102, और एक ये 102 103, पर ये 103 ब्लॉक तो नहीं है भाई, यार कैसे निकलूं मैं यहां से भाई, यार मुझे रोनी को भी बचाना है, मेरे को सब लोगों को बचाना है भाई, कैसे निकलूं मैं इस जगह से। गाइस मैं इस कल के साथ काफी देर तक बैठा और अब जाके मेरे को समझ में आ चुका है कि हम लोगों को यहाँ से कैसे निकलना है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ना ही ये कोई नॉर्मल चीज़ है। मैंने बहुत ध्यान से देखा इधर पे, तो मुझे दिखा कि वो जो प्लेटफॉर्म है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे हमें धक्का दिया गया था, उस प्लेटफॉर्म से भी नीचे वो देख रहे हो, वो 2 दरवाजे उधर और 1 दरवाज़ा उधर, अगर हम लोग इस दरवाजे तक भी पहुँच गए तो भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हो। और मुझे एक और चीज़ पता चली, जैसे कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है, हाँ ये रहा ना हमारा विदर स्केलेटन। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर से अगर हम बीच में इसको लगाते हो, देखो हम लोग एक ब्लॉक कवर कर सकते हैं पूरा, ये देख रहे हो हम लोग ने एक ब्लॉक कवर करा, इन 2 के बदले में मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो इन दोनों को मैं यहीं पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिए, अब हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं, बट अभी भी हमारा ऊपर जाने का रास्ता पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जितना भी स्टोन है हमारे पास, मैं सारे का स्टोन स्लैब बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ हमें मिली हुई है ये दोबारा नहीं मिलने वाली, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग बार बार सामान नहीं निकाल सकते, नॉर्मल प्रिजन जैसा नहीं है, समझ रहे हो। तो मेरे को उस हिसाब से सोच के चलना पड़ेगा, जैसे देखो मैंने क्या सोचा हुआ है, स्लैब अगर हम लोग ऊपर वाली साइड पे लगाते हैं, देख रहे हो, तो ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे करके चढ़ सकते हैं। पर मुझे दिखा, रुको भाई मुझे बस ये देखना है कि मेरा एक भी ब्लॉक मिस ना हो, अगर इतने लंबी जगह से हमें निकलना है तो एक भी ब्लॉक अगर हमारा वेस्ट हुआ तो तुम समझ जाओ कि वो यूजलेस हो जाएगा और वहां से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर मुझे दिखा कि चेस्ट है, और प्लस ये वाला जो चेस्ट है ये खुद में भी तो भाई एक वो है पूरा, रुको ये खुद में भी तो एक पूरा ब्लॉक है राइट। हम लोग क्राफ्टिंग टेबल भी लेते हैं, बट क्राफ्टिंग टेबल हम लोग लास्ट में ही निकालेंगे। तो देखो इतने सारे ब्लॉक्स हम लोग लगा चुके हैं, हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, इससे हम क्या करेंगे वो हम आगे जाके सोचेंगे, पर अभी के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से चढ़ते हैं। और मैं तो बोलता हूँ धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पर ना ऐसे ब्लॉक्स लगाते हुए, एक ब्लॉक ज़्यादा दूर लगा दिया, पर हमें ध्यान देना है कि अब अगर हम लोग इसको ऊपर वाले पे लगा रहे हैं ना, तो हमें इसको ऊपर वाले पे ही लगाना है, ताकि हम लोग हर बारी एक ब्लॉक, देखो हम लोग आधे ब्लॉक के लाइक उस पे एक्सपेंस पे हम लोग एक ब्लॉक कवर कर रहे हैं, तो हम लोग इस जेल से निकल सकते हैं अगर हम लोग अपना दिमाग सही से इस्तेमाल करें। हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें बची हुई है, और ये बहुत, मैं धीरे धीरे मजाक नहीं करूँगा, बट ये ना कन्फ्यूजिंग होते जा रहा है। और हमें ऐसे घूमना है कि हम लोग इन दोनों, देखो अभी हम लोग जिस दरवाजे पे ना, इन दोनों दरवाजों में से एक में आए, 3 में, मतलब 2 इस साइड है 1 उस साइड है, क्योंकि उतने बड़े प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए हमें और ज़्यादा ब्लॉक्स चाहिए, तो हम जितने कम ब्लॉक्स में काम कर सकते हैं उतना अच्छा। ठीक है, तो मैं तो ट्राई करूँगा हमारे ब्लॉक्स बचे धीरे। ओ ये देखो भाई, यार मैं बेवकूफ हूँ यार, मैंने बात करने के चक्कर में मेरे को नहीं मिलेगा ना, मेरे पास पिकैक्स भी नहीं पड़ी है, ये नहीं मिलेगा ना, हम लोगों को स्टोन नहीं मिलता यार, हम लोगों को एटलीस्ट वुड की एक पिकैक्स बनानी पड़ेगी, बट बनानी पड़ेगी। मैं बोल रहा था ना यार, वेस्ट ना हो भाई, मैं हुई गधा भाई, बात करने के चक्कर में वेस्ट कर दी गाइस। अभी मैं पूरा ध्यान देने वाला हूँ, लेट्स डू दिस बॉयज, हम लोगों को इस स्पाइरल को कंटिन्यू करना है, हम लोगों को इसको बनाते जाना है। ठीक है, पूरा ध्यान गेम में, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इसमें कैसे भी निकलना है भाई। मुझे नहीं पता वो लोग रोनी के साथ क्या कर रहे होंगे, और अगर वो लोग रोनी को यहाँ लेके आ गए और उन्होंने रोनी को भी जेल में डाल दिया ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं रोनी के साथ कैसे निकल पाऊंगा इस जगह से, तुम समझ रहे हो। और ऊपर से फिर वो कान खाता है अलग भाई, दिमाग खराब करेगा अलग, तो फिर और दिमाग नहीं चल पाएगा, तुम समझ रहे हो। भाई हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं भाई, हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, अगर मैं गिर गया ना गलती से, हमारे पास कुछ भी नहीं है नीचे, लास्ट टाइम तक तो वहाँ पर एक वो था, क्या कहते, एटलीस्ट एक स्नो का वो था,
ब्लॉक था स्नो का, जो भी पाउडर्ड स्नो का वो था गिरा रखी थी, पर इस बार मुश्किल है भाई, इस बार ही हम लोग मर ही जाएंगे अगर नीचे गए तो। मैं शिफ्ट तो छोड़ने ही नहीं वाला हूँ, और चुपचाप इज्जत से इसको ढंग से लगाते हुए चलते भाई। मेरे को ना आंखों में अब अजीब सा हो रहा है बेडरॉक देख देख के, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन से ब्लॉक का टॉप है भाई। मैं पागल हो रहा हूँ इस प्रिजन के अंदर, मैं मजाक भी नहीं करूँगा। अपने पास 36 ब्लॉक्स और है भाई, मेरे को लग रहा है हम लोग कर सकते हैं भाई। मेरे को अब फील आ रही है, हमारे पास 48 ब्लॉक्स थे, 48 ब्लॉक्स का हम लोगों ने डबल किया। हम लोगों को कितने मिले, 48 इंटू 2 हम लोगों को मिले कम से कम, नहीं भी तो 96 ब्लॉक्स के आसपास, राइट। 96 ब्लॉक्स में भी अगर ये कवर नहीं हो पाया तो सोचो ये प्रिजन कितना खतरनाक था। और अगर स्टार्टिंग में मैं वो क्लच नहीं कर पाता भाई स्नो के अंदर, तो सोचो मैं तो डायरेक्ट डेड था भाई, अगर मैं नीचे गिर जाता तो। देख के चलो, देख के चलो, धीरे धीरे चलो, चलते रहो भाई, बढ़ते रहो, बस बढ़ते रहो भाई। आई होप भाई हमारे पास बिल्कुल भी ब्लॉक्स की कमी ना हो, मुझे देखना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है भाई ब्लॉक की कमी होने वाली है गाइस। जी जी यार, ब्लॉक की कमी होने वाली, क्योंकि वो देखो एटलीस्ट वहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है, तो इसका मतलब है एटलीस्ट हम लोगों को इस नीचे वाले बेडरॉक तक का तो लगाना ही लगाना है हम लोगों को एक ना एक स्लैब। पर अपने स्लैब्स ख़त्म होने वाले गाइस, 6 बचे हैं, 4 3 2 1। यार हम लोग, एक मिनट, हम लोग इसके ऊपर है राइट, ठीक है। हम लोग के पास कितने ब्लॉक्स और बचे हैं, हमारे पास 2 चेस्ट हैं, ठीक है। तो मैं अगर चेस्ट लगा दूं यहाँ पे ऐसे, तो मैं 2 ब्लॉक और ऊपर आ चुका हूँ राइट। मैं कर सकता हूँ भाई, मेरे को एक फील आ रही है मैं कर सकता हूँ इसको। हमारे पास एक क्राफ्टिंग टेबल है, बट रुको, क्राफ्टिंग टेबल को बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करना है गाइस। वी नेवर नो कि क्राफ्टिंग टेबल कैसे यूज़ आएगी, क्या होगी। ओके, 9 आयरन इंगेट है, 9 आयरन इंगेट से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो फिर एक ब्लॉक बना सकता हूँ, बट एक ब्लॉक ऊपर जाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। हम लोग को बहुत ऊपर जाना है, तुम समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऊपर, तो एक ब्लॉक से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इससे, यस, मैं इससे पता क्या कर सकता हूँ गाइस, ये देखो, मैं इससे चेन्स बना सकता हूँ आई गेस एंड आई होप। अगर मैं चेन को लगाऊं तो मैं ऊपर आऊं, नहीं नहीं रुको, अगर मैंने चेन तोड़ी हो, मुझे चेन नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे करके चेन्स बना सकता हूँ, कितनी भाई, 7 है मेरे पास, लेकिन मेरे पास 7 इंगेट नहीं है राइट, या मेरे पास 5, कितने ज़्यादा से कितने होंगे, इधर इधर, हाँ 3 बन पाएंगे, 3, ठीक है, 1 2 3, और उसके बाद मुझे एक और बनाना पड़ेगा, तो 3 3 6 7 मेरे पास टोटल में वो बन जाएंगे। बट ये मेरे को नहीं लग रहा कि 7 ब्लॉक दूर है राइट, मेरे पास क्या पड़ा है, मेरे पास 7, यस 16 आयरन बार्स, लेट्स गो, इसको निकालो ये हम, ओ भाई नीचे मत गिरना प्लीज, बढ़िया 16 आयरन बार्स हैं भाई, मुझे लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं भाई, 16 आयरन बार्स है तो हम लोग चढ़ ही सकते हैं राइट, कम ऑन लेट्स गो, लेट्स गो, यस हो रहा है, हो रहा है गाइस, लेट्स, नहीं यार एक ब्लॉक, नो वे, रुक जाओ, अगर मैं ऐसे बेड लगा दूं तो, नहीं यार ये 1.5 ब्लॉक है, 1.5 ब्लॉक का भी कूद ही नहीं पाऊंगा मैं, अबे भाई लिटरली एक आधे ब्लॉक की वजह से भाई मैं बेवकूफ हूँ। आधा ब्लॉक हमने कहाँ वेस्ट करा, नीचे, हम लोगों ने लिटरली एक आधा ब्लॉक नीचे वेस्ट करा, उसकी वजह से हम लोग चढ़ नहीं पा रहे। अरे भाई यार आधे ब्लॉक की वजह से रह गए हम लोग, एक ब्लॉक मैंने नीचे तोड़ा था, उस आधे ब्लॉक की वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं चढ़ पा रहे। अरे भाई यार ये क्या हो गया भाई, कुछ नहीं है हमारे पास, एक मिनट, मेरे पास एक आयरन गेट बचा राइट, अगर मैं ये करूं गाइस, अब हम लोग बस यहाँ पर ऐसे लगा के, ओ भाई एक मिनट यार, अबे ये तो, अरे यार ये तो प्रिज्मरीन भी था ना, मैं इसको तोड़ के भी तो सीधे ऊपर आ सकता था, ये कौन सी बेड रॉक है। दिमाग भाई कोई बात नहीं, छोड़ो भाई, मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही है ना एट दिस पॉइंट, और मेरे को थोड़ा सा देखते हुए चलना पड़ेगा। चलो गाइस मैंने अपने सारा सामान वामान तो निकाल दिया है, अब चलो जल्दी से यहाँ से ऊपर जाने का, देखो मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। यार रॉनी को ऐसी किसी जगह पे बंद करके रखा हुआ था ना, यार मुझे याद तो है क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा घूम लिया है ये एरिया पूरा डिस्ट्रिक्ट, बट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को कहीं तो होना चाहिए ना ये देखने के लिए कि रॉनी है कहाँ पर। भाई ये बहुत मायावी जगह है, मैं मजाक नहीं करूँगा, पानी लावा लगता है, लावा पानी जैसा दिखने का लगता है, ये भी मुझे पता नहीं है क्या है भाई। स्टोन नेदर रैक दिख रहा था जब हम लोग उसको काट रहे थे, नेदर रैक कैसे काट दोगे भाई आधे आधे में। यार बस मेरे को मिल जाए, कोई गार्ड ना मिले, बस चुपचाप निकलना है हम लोगों ने यहाँ से। रॉनी कहाँ है भाई मेरे, इस साइड को आइस है राइट, आइस की तरफ को रॉनी नहीं था, तो आई गेस हम लोगों को उस साइड जाना चाहिए जहां पर
मे भी मैंने वो यस मे भी यही माउंटेन था राइट यही माउंटेन है शायद से। चलो 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 फटाफट चलो भाई, अभी वो किंग और सारे के सारे गार्ड सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि उनने मेरे को बंद कर दिया और कहीं वो रॉनी के साथ कुछ गलत ना कर रहे हो भाई, मेरे को उसी बात का डर है बस। मेरे को किंग के क्वार्टर से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा यार, यही वो जगह थी देख रहे हो जहाँ से मेरे को उसने धोखा दे के नीचे गिरा दिया था भाई, उसी साइड है भाई गारंटीड उसी साइड है यार। मेरे को जल्दी से जल्दी दिख जाए बस रॉनी मिल जाए एक बार, यहाँ से निकलते हैं भाई। मुझे नहीं मारना था भाई किंग के बेटे को यार, या फिर वो दूसरे वॉरियर्स को, मुझे किसी को नहीं मारना था यहाँ पे। मैंने इज्जत से उसे बोला भी कि ये पीपी रोक दो, मैं नहीं मारना चाहता किसी को यार। कमोन कमोन रॉनी कहाँ है भाई यार, एक मिनट वो रास्ता है राइट, यस मैं समझ गया। चल 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 चल, बस अभी हम लोगों को भाई पकड़ ना ले किंग, बस मैं इतना ही चाहता हूँ क्योंकि मैं दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता और इस बार ही तो मैं लड़ूंगा भाई। और अगर मैं लड़ा तो तुम लोगों को पता है क्या होगा भाई, मैं नहीं चाहता लड़ना, मैं मजाक नहीं करूँगा, मुझे यार नहीं करना। और किंग को परेशान यार, मैं नहीं चाहता था कभी भी भाई किंग के साथ कुछ भी हो, मैं क्यों चाहूँगा यार किसी भी बंदे की भाई। यार आई जस्ट होप उन लोगों ने रॉनी को उस जेल में ना पहुँचा दिया जितनी देर में मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ भाई। अगर ऐसा कुछ हो गया होगा ना तुम समझ जाओ भाई, फिर दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद मैं भाई जितने चाहे उतने बंदे काट दूंगा, पर भाई हम लोगों को यहाँ से निकलना है भाई। मेरे को नहीं पता भाई देव का क्या हो रहा होगा उधर पे, जैकुला था ड्रैकुला का क्या चल रहा होगा भाई, बल्लू का क्या हो रहा होगा। मेरे को सच्ची में यार, मैं सब लोगों को छोड़ के इधर को आ गया हूँ, वो लोग आए क्यों नहीं मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ये बात। बट कोई बात नहीं भाई, चलो हम लोग को थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी, चलते रहो धीरे धीरे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो भाई। मुझे तो अब लग रहा है ये जीरो ने भी ना हम लोगों के साथ गेम खेला है, बताए कि क्या पता अपने पास आर्मर नहीं होता तो हम लोग हारते बट हम लोग वापस आते राइट। हम लोगों को वो क्या पता कोई चांस देता दूसरा या कुछ होता, बट जीरो ने हमें इतना पावरफुल आर्मर दिया कि भाई हम लोग उनसे ऑन पार लड़ रहे थे, समझ रहे हो। तो मुझे लग रहा है कहीं पर हो सकता है जीरो का भी हाथ ना हो इस चीज़ में। चलो फटाफट, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है राइट। नाइस भाई, रोनी को कोई भी नहीं गार्ड कर रहा है क्या। अरे ये तो उन वॉरियर्स टाइप में से एक है भाई, यस ये वही बंदों में से एक है जो वॉरियर्स थे। रानी अरे हाँ गार्ड भाई, अरे भाई सॉरी भाई मैंने कुछ किया ही नहीं गार्ड भाई, तुम क्यों बेफालतू गुस्सा कर रहे हो। अरे भाई अरे अरे गार्ड अरे ये लो भाई तुम गुस्सा मत करो, ये लो रोटी खाओ, ये लो यार तुम्हारे लिए बनाई है मैंने स्पेशल ब्रेड, एक और खाओगे ये भी खाओ ये। अरे खाओ ना यार, एक काम करो ये भी खाओ गार्ड भाई, ये भी खाओ गार्ड भाई, ये वाला भी खाओ थोड़ा थोड़ा, ये वाला भी तो टेस्ट करो। अरे ये वाला तो और बढ़िया है, आ जाओ गार्ड भाई आ जाओ। और भाई खोल दिया, अरे फिट भाई तुम फिट क्यों रहे। अबे तू भाई अंदर से बैठ के बातें बना ले तू बस। और भाई मर जा गॉड, यस टूट गया तू भाई। अरे भाई अरे भाई खोलो ना भाई, निकालो ना बाहर। अबे तेरे कान के नीचे मारूंगा मैं, तेरे को बचाने के लिए यहाँ पर आ रखा हूँ, क्यों आ रखा हूँ मैं। खोलो ना भाई, निकाल ना बाहर, निकाल तो रहा हूँ भाई। बंदे की आग भी ना बुझे, चिल्लाना देखो इसका। अच्छा भाई तेरे मुंह में टेप ही सही था। अच्छा आर्मर तो दे दो यार, तो तुम जल्दी पकड़ ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, और इसकी स्वॉर्ड भी ले, इसका ट्राइडेंट भी ले, इसकी शील्ड भी ले, दे दो भाई सब, और फूड भी ले ये ले, रख रख रख, और ये बो भी ले एक, और आधा ये भी ले, रख रख सब रख सब रख। फटाफट तैयार हो, हम लोग यहां से निकलना है ठीक है। चलो अबे चेस्ट प्लेट नहीं है क्या तेरे पास, ले ये रख ले, सही है भाई अपने लिए रख लो। अबे तुझे कैसा आदमी है भाई, जल्दी निकल यहाँ से, पता नहीं जैक लोगों के साथ क्या हो रहा है। चलो 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 भाई, अब हम लोगों को बस एक पोर्टल ढूंढना है, जल्दी फटाफट जल्दी के हाथ में रख देंगे लोगों को। नहीं लेकिन यार मैं पूरे के पूरे इस जगह पे पूरी डिस्ट्रिक्ट पे दो बार घूम चुका हूँ गाइस, मेरे को अभी तक का पोर्टल देखने को भी नहीं मिला है भाई। आई जस्ट होप कि वो भाई कहीं किंग के उसमें ना हो। बेटा किंग के उसमें होगा ना, तेरे को तो पहले पकड़ेगा किंग। वाला मैटर क्या हुआ था, किंग वाला मैटर क्या हुआ यार भाई, गार्ड आपस में बात कर रहे थे।
अबे पीवीपी टूर्नामेंट में भाई किंग के बेटे को मारना पड़ गया मुझे यार, और उसके बाद उसने धोखेबाजी कर दी, मुझे पता नहीं कैसे एक ट्रैप में डाल दिया भाई उसने। मैं क्या बताऊं तेरे को यार, तेरे को बताऊंगा यहां पे भी अपनी दुश्मनी पाल ली। अबे यार मैंने भाई एक बात बता, पीवीपी टूर्नामेंट कह के उसने अपना बेटा उतार दिया। मैंने उसको 10 बार बोला कि भाई रोक दे पीवीपी, रोक दे मर जाएगा वो। कह रहा नहीं मेरा बेटा मार देगा, मेरा बेटा योद्धा है, मैं क्या करूं यार। तुमने उसका बेटा मार दिया मतलब? अब हाँ बस यार, अब हम लोगों को सेफली जल्दी से जाके ढूंढना है भाई। अगर हम लोगों को पोर्टल नहीं मिला ना आज के आज, भाई तू लिख के ले ले, ये बंदे हमें छोड़ेंगे नहीं। तू लिख के ले, छोड़ने तो वैसे भी नहीं वाले भाई, तूने उनका बेटा मार दिया। अबे यार तू खुश क्यों हो रहा है भाई, मुझे इतना बता। तेरे को यार, तेरे को तेरे जैसे को छुड़वा, अच्छा खासा बंद करके ना तेरे को यहीं पे छुड़वा देना चाहिए था भाई। अबे भाई तू जल्दी आ भाई, हम लोगों को पोर्टल ढूंढना है कैसे भी भाई, जल्दी आ फटाफट। हां चलो चलो, कहां मिल सकता है पोर्टल इस साइड से? तो मैं आया, मेरे को कोई पोर्टल नहीं दिखा। आई गेस अगर हम लोग सीधे जाएंगे तो हम लोगों को पोर्टल मिल सकता है भाई। एक तो इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, कसम से हम लोगों को और जगह पे इतनी आसानी से मिल जाता था, बट यहाँ पे किसी से हम हेल्प भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते भाई, कोई पोर्टल ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ से मैं आया था राइट, उसके बेटे को मार दिया गया यार, मेरे को मजाक तो नहीं कर रहे ले। अरे अबे भाई मैं तो पूछ ही रहा हूँ, मैं रुक जा भाई, अगर बाई चांस फाइट भी जाती है तो थोड़ा सा पानी रख लेते हैं बस जस्ट इन केस। जीरो जीरो, यू विल नेवर फाइंड इट, यू विल नेवर फाइंड क्या पोर्टल? अबे चुप रह, इसने मेरी हेल्प करी है। ये जितना आर्मर तूने पहना हुआ ना, जो मैंने पहना हुआ है, सब इसी की देन है यार। जीरो एक मिनट, ये सब इसी की देन है भाई। भाई जीरो कहीं एक मिनट यार, तू ये सब करके तो नहीं कर रही है ना, हमारा कहीं यूज कर रही है ताकि ये भाई किंग के बेटे को मरवा दे, किसको पता भाई, कोई दुश्मनी हो इसकी। काट दोगे? अबे नहीं बे, वो अंदर रख। कहाँ गई वो? I am not your enemy. तो भाई है, तो भाई तुम हो कौन यार? जीरो हमें नहीं पता भाई, तुम एकदम से मिल जाती हो, फिर तुम गायब भी हो जाती हो एकदम से भाई, पीछे मुड़ो तो, और उसके बाद तुम इतना आर्मर, इतना पावरफुल चीजें इस जगह में ला कैसे रही हो भाई? But my father will kill you on sight if he finds you. हैं? इसके पापा? अबे इसके पापा सेनापति या कुछ है क्या? क्योंकि ओ भाई इसका मतलब किंग को पता चल चुका है कि मैं निकल गया हूँ, और इसका मतलब उसे ये भी पता चल जाएगा कि तुझे भी निकाल दिया मैंने। सिपाही है? अबे यार मुझे लग रहा है इसके पापा सिपाही है भाई, तभी ये बोल रही है कि माय फादर विल किल यू ऑन साइट। अबे भाई तो तुम्हारे पापा क्या है, सेनापति है, सिपाही है, क्या है? आई नेवर थॉट आई विल हैव माय ब्रदर किल्ड बिकॉज ऑफ मी। इसकी वजह से इसका भाई मर गया। प्रिंस क्रैम, प्रिंस क्रैम तुम्हारा भाई है? तो तुम किंग की बेटी हो? काट दो भाई। प्रिंसेस जीरो काट दो भाई, मैं कह रहा हूँ भाई किंग के दोनों बेटा बेटी मार दो। अबे उसने हमारी हेल्प करी है, उसने हमारी हेल्प, कैसी फालतू बातें करता है भाई ये बंदा यार, उसने हमारी हेल्प करी हुई है, बोल रहा काट दो। जीरो आई एम रियली सॉरी, मैं भाई नहीं मारना चाहता, मैंने तुम्हारे पापा से 10 बार बोला कि भाई ये पीवीपी रुकवा दो पीवीपी, तुम लोग मुझे ही क्यों उल्टा है भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार, तुम लोग मुझे इविल समझ रहे हो, बट मैंने तो वो पीवीपी नॉर्मली लड़ा ना, मुझे तो बताया गया कि इससे मैं निकल जाऊंगा यार, मैं किसी को नहीं मारना चाहता था यार। जीरो आई मीन प्रिंसेस जीरो भाई, टेक दिस एंड नेवर शो योर फेस हियर अगेन। मतलब अभी ये क्या है, ये क्या दिया इसने? देख ये क्या है, पोर्टल मैप जीरो। चलो चलो भाई, अबे कहाँ गई? व्हाट? अबे जीरो, अबे अबे तेरी फूफा की लड़की है क्या तेरे? हैं? फिर जीरो जीरो प्रिंसेस जीरो भाई, प्रिंसेस जीरो कहाँ चली गई भाई? उसने हम लोगों को पोर्टल का मैप दे के चली गई भाई। वो भाई तुम्हें बेइज्जती फील नहीं हुई? मतलब लड़की मुंह पे बोल के चलेगी, मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हुआ ना, सही बताना भाई। यार तुझे कॉमेडी फील हो रही है क्या भाई इस जगह पे? इतना बता मेरे को, कॉमेडी लग रही तेरे को? ये जोक है भाई, भूखा रखा सालों ने इतने दिनों से भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ आदमी है भाई, पता नहीं भाई, मेरे से तो मत ही पूछो भाई, हम लोग को चलना पड़ेगा। रुको, हम लोग को पहले देखना है अगर हम इस साइड को चलते तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग भाई। ये पोर्टल का एक तो ये मैप बहुत गलत है भाई, ये बहुत गलत मैप है, बट रुको। यस हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग बढ़ रहे हैं राइट, ये रहा, तो हम यहाँ से राइट अंदर जाना है क्या? ओ ये वही जगह है ना भाई, यहाँ पे गार्ड्स घूम रहे होते हैं, बट आई थिंक अभी गार्ड नहीं होंगे। चल
कहाँ गया है? चुपचाप आ देख रहा भाई। आई जस्ट होप यहाँ पे अभी गार्ड्स ना हो, क्योंकि सारे के सारे गार्ड तो पार्टी कर रहे होंगे हम लोगों का, या फिर हमें ढूंढ रहे होंगे भाई। भाई अगर यहाँ पे गार्ड निकल गए ना भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अबे तुझे क्या प्यारा लग रहा है भाई, समझाएगा मेरे को थोड़ा सा? अच्छा लग रहा है। चल आ जा, मेरे ख्याल से यहाँ से हमें उस साइड ही जाना है। जल्दी आ, जल्दी आ, फटाफट आ। चलो चलो आ रहे ना, जल्दी आ, बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। चलो भाई, चल 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 आ जा। दो बोट चाहिए ना भाई को, एक से थोड़ा ना होता है भाई का काम। अरे भाई सही कह रहे हो, साथ बिठा लो भाई मेरे को, बहुत बढ़िया भाई। चल 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 भाई, इससे पहले कोई गार्ड वार्ड हमें पकड़ ले। ये जहाँ भी पोर्टल है भाई, इधर से निकलो भाई। जीरो ने हमारी दोबारा हेल्प करी यार, हमने मैं नहीं चाहता था यार। लोग ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि मैं किसी को मार नहीं चाहता, ना उसके भाई को ना उनके बेटे को। भाई यार वो जो भी बंदे ने शुरू कराया ना भाई, उसके गार्ड को मार के यार, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ है। मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची में भाई। पंगा तो ले लिया, कोई गलत रूम में आ गए हम लोग। पर मैं बहुत तेज हिल रहा है रोनी, मैं बहुत तेज हिल रहा है। क्या दिखाना है, क्या चुपचाप आप पीछे दिखाना वाले बच्चे ने? तो भैया आपके मोबाइल में गेम है क्या? गेम गेम खिला दो भैया वाला है। भाई मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, यहाँ पे हमारा प्लान हो मुंह खोलेगा गंदा ही बोलेगा भाई ये आदमी। बाय गॉड कह रहा हूँ, किसी काम का नहीं है ये आदमी। मुंह खोलेगा गंदा ही बोलेगा बस। ओए ओए हम लोग आ चुके हैं। हाँ हम लोग आ चुके, पोर्टल यही कहीं है, हमारे आसपास ही है पोर्टल। अबे हम लोग पोर्टल के ऊपर है, मिनट हम लोग पोर्टल के ऊपर है, इसका मतलब हम लोग को नीचे जाना है बस। जल्दी जल्दी आप यार, चल 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 हम लोग को यहाँ से नीचे उतरना है। नीचे उतरने का जगह देख, नीचे उतरने की जगह देख, जल्दी देख। मैं भाई उस साइड से ढूंढूं इससे पहले यहाँ पे गार्ड्स आए। चल चल चल, ये ले ले, आ गई आ गई, जल्दी जल्दी आ। आया आया आया, हम लोग फिर से दूर हो गए यार। हैं यही है क्या? नहीं ओ उन भाई, इसका मतलब वो लोग सही में हमें ढूंढ रहे हैं। भाग भाग भाई भाग, अबे क्या मर गए भाई, भाग अब फटाफट चल। भाग तो रहो, तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे हो, भागो ना। यहीं कहीं पर दिखा रहा है यार, नीचे है ऊपर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीचे तो जमीन है, नीचे एक मिनट रुक जा, नीचे तो वो है ना जहां से हम लोग आए थे। तो इसका मतलब ये ऊपर है भाई, प्रो मैक्स जितना ऊपर जा सकते हैं हम लोग। चल 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 आ जा, जल्दी 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 भागो, मेरे को साथ लेके जाओ, छोड़ के जाओगे वापस ही। भाई कहां छोड़ के भाग गए मेरे को है, पर कहां है पोर्टल भाई, तुम खड़े क्यों हो, ढूंढो ना। आंख के अंधे पीछे देख ले एक बार अपने, होटल कहाँ है बोल रहे हैं। चलो ना फिर इसमें से। अबे तेरे को भी फुटस्टेप आ रहे हैं क्या? कोई आ रहा है क्या इधर? हाँ भाई, चुप चुप चुप। अबे कोई आ रहा है, भाग भाग भाग, जल्दी भाग, क्या कर रहे हैं, भाग भाग रोनी। भाई बैठा तुम्हारे साथ ही, पकड़ो इन्हें, भागने ना पाए। लेट्स गो भाई, फाइनली हम लोग वापस आ गए इस डेजर्ट वाली जगह पे। भाई मैं तो सोच रहा था कि हम लोग कभी आ भी नहीं पाएंगे भाई ये पोर्टल। मेरे को अभी भी याद है भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे को धक्का दिया था या कुछ हुआ था भाई। एक मिनट, हमारा सामान। अबे यार उस डिस्ट्रिक्ट का सारा सामान रिसेट, इतना बढ़िया आर्मर सब कुछ मिला था यार। अब जल्दी से भाई, मेरे को तो चक्कर आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रोनी क्या हुआ? अबे देवलोक कहाँ है? यहाँ इतना हम लोग उड़ा के लेके आ गए, इसको निकाल के लेके आ गए, ये बंदा अभी तक। उठ देव भाई, कैसा इसके साथ भी वही करो क्या? वो पाद मार दो इसके मुंह पे। हाँ 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 पक्का। हाँ हाँ, अबे तुम्हें थोड़ी ना मारेगा ये। अबे रुक जा जैक, वैसे नहीं उठता लेकिन ये तो उठ जाएगा ना, इतना इतना सोत उड़ तोड़ना होगा। उठ जा भाई, ओए ओए हैं हैं, क्या होता है भाई?
भाई आप यहाँ? अबे फ्लीट भाई आप यहाँ? पहली बार देखा क्या तुमने? अबे तुम लोग थोड़ा दिमाग से पैदल हो क्या, इतना बता मेरे को। और ये बल्लू और ये कहाँ गए हुए जैक? मतलब मैं पागलों की तरह मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां से मैं रॉनी को निकाल के लेके आया हूँ, तुम यहाँ पे सो रहे हो तुम लोग। और ये जैक और बल्लू भी यहीं पे सोए होंगे, इसका मतलब ये भी आगे सोए होंगे। ये सारे के सारे एक जैसे हो रहे हैं भाई, मैं गधों की तरह वहां काम। क्या है बल्लू कहाँ है? बल्लू कहाँ है? बल्लू कहाँ है भाई? यहीं सो रहा होगा आगे और कहाँ होगा? बल्लू कहाँ है? बल्लू कहाँ है? तू है यहाँ पे, हमें यहाँ पे कहाँ है ये लोग? जैक बल्लू कहाँ है? अरे 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 फ्लीट भाई एक बात बताओ, जब आप पोर्टल में घुस रहे थे तो आपको कुछ धक्का वक्का लगा क्या? जब मैं पोर्टल में घुस रहा था हाँ, कुछ धक्का वक्का लगा आपको? हाँ धक्का सा तो लगा था मेरे को, लगा किसी ने धक्का मारा मुझे, पर मेरे को तो लगा मजे ले रहे हो तुम लोग, तुम लोग भी आओगे पीछे से। धक्का पक्का ना? तो भाई वो बल्लू था, मैं अभी तक सोच रहा हूँ मैं सपना देख रहा हूँ। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? धक्का मारा पोर्टल में है? हाँ मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ भाई अभी तक। तो बल्लू ने मेरे को क्यों मारा धक्का भाई? पता नहीं मैं देखा, फिर जैक उससे बहस करने लग गया, लड़ाई करने लग गया, क्यों धक्का दिया क्यों धक्का कर दिया, फिर बेहोश हो गया। उसके बाद में बेहोश हो गया, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। अबे एक मिनट, तो तू लड़ाई देख के बेहोश हो गया वहाँ पे? मतलब उनकी बहस हो रही थी। हाँ फ्लीट भाई, फ्लीट भाई। जैक बोला था फ्लीट भैया को क्यों धक्का दिया। रुकना एक मिनट रुकना, तो इधर आना जरा। हाँ भाई ये नशे में लग रहा है तुम्हें? भाई मुझे लग रहा है ये कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया इस आदमी ने भाई। भाई मेरे को तो नशे, घर वालों को बताना पड़ेगा भाई, ये कुछ गलत काम कर रहा है आजकल भाई, देख मैं कैसे। वही तो भाग गया भाई ये। पर यार ये बातें तो सही कर रहा है कि मुझे लगा तो था किसी ने धक्का। सुन देव सुन, शांत रहे, शांत हो और मुझे वो कहानी शुरू से बता क्या हुआ। मैं जब एच इधर आ मेरे साथ आ, मुझे अभी अच्छे से याद है कि मैं एच से ऐसे देख रहा था बस इसको कि पोर्टल है, और तब मुझे फील हुआ किसी ने मेरे को पीछे से मारा। मुझे लगा तुम लोग मजे ले रहे हो और तुम लोग भी आओगे, फिर क्या हुआ? नहीं हम आप जा देख रहे थे, बल्लू ने धक्का दिया आपको। हाँ ठीक है, बल्लू ने आपको धक्का दिया, फिर जैक पूछने लग गया क्यों धक्का दिया भैया को करके, मैं भी जाने वाला था वैसे ही मैं बेहोश हो गया, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। एक मिनट, तो तू तब बेहोश हुआ और तू अभी उठा है? आपने तो उठाया अभी मुझे, तभी तो बोल रहा था फ्लीट भाई आप यहाँ कैसे, आप तो पोर्टल में गए थे ना भाई। यहाँ तो बहुत सारे सवाल हैं, और ये बल्लू जैक कहाँ चले गए भाई? अब भाई क्या चल रहा है इस जगह पे, क्यों क्या कैसे भाई? भाई मुझे लग रहा है कि बल्लू और जैक को कोई उठा के ले गया है भाई। है मेरे को पूरी फीलिंग आ रही है भाई, बल्लू और जैक को कोई उठा, बल्लू और जैक को भाई, मतलब मैं बोल रहा बल्लू को भाई। बल्लू को पकड़ो, सबका सब चीज का आंसर मिल जाएगा, उसी ने आपको धक्का दिया और क्यों दिया वो पूछना पड़ेगा हमको पहले। तू कैसे बच गया अगर वो यहाँ पे है तो? भाई मैं बेहोश हो गया हूँ, ये फ्लीट भाई इसको एक लगाओ, समझ में नहीं आता। लड़ो मत सुनो, तो तेरे कहने का मतलब है कि बल्लू ने मुझे धक्का दिया, फिर जैक बल्लू से लड़ाई करने लग गया, और उसके बाद तू एकदम से बेहोश हो गया? वही टाइमिंग कुछ मैच नहीं कर रही, वही तो कह रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी ये। देखो सुनो, मेरे को लगता है कि हमारे सवालों के जवाब भाई एक ही जना दे सकता है इस वर्ल्ड में, जिसको हम जानते हैं भाई, इस प्लेनेट में एक ही आदमी है जो हमारे सवालों का जवाब दे सकता है, और वो एक ही है भाई, वो है द वन एंड ओनली कैप्टन भाई। ठीक है, अबे ये कैप्टन कौन है भाई? अरे ये अबे तुम तू तुझे कैसे नहीं पता कैप्टन कौन है रे? इसका तो समझ में आता है मेरे को, क्या हो गया याददाश्त भी चले गए क्या? कमांडर भाई, कमांडर जो था याद भूल गया डेजर्ट में? अच्छा हाँ याद आया। इसको तो नहीं पता होगा, ये तो उतने टाइम से भाई वहाँ मजे कर रहा है, ओशियन उसमें उनकी रोटियां तोड़ रहा था फ्री की। अबे भाई फ्री की क्या होती है भाई, तो कुछ काम करा रहे थे तेरे से? नहीं तो फ्री की रोटियां तो तोड़ रहा था तू वहां पे बैठ के। जल्दी चलो मेरे साथ आओ भाई, फटाफट चलो, हम लोग सीधे चलते हैं ठीक है कमांडर के पास, और कमांडर से पूछते हैं अगर उसने बल्लू और उसको, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है भाई, या हम किसी को जानते भी नहीं है। फटाफट चल, जल्दी से चलते हैं, जल्दी चलो भाई। बल्लू और जैक को कहीं देखा क्या भाई? अगर तू सही बोल रहा है कि बल्लू भाई गंदा आदमी है तो देखना पड़ेगा भाई, इसने मतलब जैक को किडनैप करा है या क्या करा है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन गंदा नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं श्योर नहीं हूँ बस। तो भाई तू ही तो बोल रहा है कि धक्का मारा फिर ये करा, ये क्या हो रहा है भाई? हेलो ये क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम लोगों के साथ भी हो रहा है ग्लिची? आ जाओ फटाफट आओ, जल्दी निकलो सीधे कमांडर के पास चलो। नहीं पता भाई, अरे मैं हूँ यार, मेरे पीछे चलो जल्दी आओ भाई। अब बस कमांडर ही हमारी हेल्प कर सकता है, मजाक भी नहीं करो सच्ची में भाई।
और अगर कमांडर ने हेल्प नहीं करी ना तो ये कमांडर को भी मारूंगा मैं आज। देखो तुम लोग भाई, बस जैक मिलना चाहिए भाई, जैक को कोई उठा के ले गया भाई। लग रहा है मेरे को लग रहा है एक तो जैक और बल्लू जैसे यार देव को भाई इससे अच्छा टाइम नहीं मिला क्या बेहोश होने का। पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, वो करो पहले, सांस लो जल्दी आओ। भाई ले रहा हूँ, कापे का तो जरूरत ही नहीं है भाई, लग तो रही है इसको नहीं है भाई। इस प्लेनेट में उसके पावर्स काम ना करे किसको पता भाई। उरो भाई सांस दिलवा दो, जल्दी आओ फटाफट आओ फटाफट आओ, इस पे खड़े हो शिफ्ट दबा के, एक एक पकड़ो। देव आगे वाले पे खिसक। हाँ एक एक पकड़ो, सांस भरो, चलो 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 भाई। हम लोग फाइनली पहुंच चुके डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट पे। यार ये बहुत डेंजरस लगता है यार, भाई प्लीज यार कमांडर यहाँ मिल जाना बस यार। आ रहे हो ना तुम लोग? चलो भाई। यार जिसने भी करा क्या डिस्ट्रक्शन करा यार इस जगह का भाई, वही ना भाई, मॉडर्न आर्ट बना दिया भाई, टीएनटी फोड़ के तेरी शक्ल का मॉडर्न आर्ट बना दूंगा किसी दिन भाई। गॉड कह रहा हूँ, जैसी उल्टी बातें करता है ना ये आदमी भाई। इतनी प्यारी जगह थी, खैर हम लोगों को तो यहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ था, बट भाई फोड़ फोड़ के मॉडर्न आर्ट बना दिया बोल रहा है भाई। अब मेरे को याद करने दो, रुको, कैप्टन कहाँ था भाई, पूरी जगह की क्या बैंड बजाई है यार बजाने वाले ने। वही ना भाई, वही तो भाई, रॉनी ने तो देखा भी नहीं है शायद से। सही, हाँ मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ देव ने भी देखा होगा, मैं और जैकी तो बनते हैं। मैंने भी नहीं देखा है वही। हाँ कैप्टन यहाँ सोर होना भाई। हाँ? ओए खड़ा हो। कमांडर को किसने मार दिया इतना? अबे चुप रहा है तो भाई, हल्के बोल। अबे इतना किसने मारा इसको? ओरे भाई तो व्हाट हो रहा? ओए कमांडर हैं? अबे कमांडर सांस ले रहे? अबे गया तो क्या ये? नहीं नहीं ले रहा, हिल रहा है ना देखना। अबे उठ जा कमांडर, उठ जा भाई कमांडर, उठ जा कमांडर। ओरे भाई अबे क्या कर रहा है यहाँ पे सोत है? अभी हमसे डर रहा है क्या? अरे क्या हो गया कमांडर भाई, क्या हो गया, क्या हुआ भाई? हैं ओए भाग रहे, भाग रहे, पकड़ इसको, नौटंकी कर रहे, नौटंकी कर रहे, देख नौटंकी कर रहे, पकड़ इसको, रुक 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 रुक, पकड़ 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 पकड़, रुक जा रुक। क्या रे कमा, अबे ये तो बेहोश हो गया दोबारा, चले नहीं पा रहा भाई ये तो बेहोश भाई, ये कमजोर हो गया इतना कैसे? हां ओए कमांडर भाई, इसने की भाई, इसको ब्लड लॉस हो गया ना। अबे उठ जा कमांडर, रुक जा इसके ऊपर पानी डाल दो, ये ले, उठ कमांडर उठ, उठ ये ले, डर मत कमांडर, ये ले खा इसको, खा इसको, खा इसको, खा इसको आराम से, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता कमांडर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमसे डरने की कोई बात नहीं है। हाँ खा इसको, खा आराम से, खा आराम से, खा कोई दिक्कत नहीं है, हमसे डरने की कोई चीज़ नहीं है कमांडर, आराम से खा इसको, खा ले कमांडर, खा ले इसको, खा ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई ये हमसे क्यों डर रहा है, क्या हुआ भाई, क्या क्या हुआ कमांडर, क्या हुआ तुझे? हाँ हाँ व्हाट भाई, कह रहा था मैं, ओ भाई व्हाट गाइस, हम लोगों को सारी बातें बता दी है भाई कमांडर ने, और अब वो बहुत ज्यादा थक चुका है तो वो वापस से बेहोश हो गया। हम लोग उसको यहाँ पर बेड पे लेके रख दिया है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बताई है, तो इसका मतलब देव सही था इस पूरे टाइम भाई। भाई यहाँ पर तीन जने आए थे, तुम समझ रहे हो, एक बल्लू, एक जैक और एक तीसरा बंदा जो यहाँ का डिस्ट्रक्शन डेविल है। कहने का मतलब है कि जैसे गॉड होता है तो उसका जस्ट उल्टा, एक डीमन जो कि डिस्ट्रक्शन का डीमन है वो यहाँ पर आया हुआ था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जैक उसको देव बोल रहा है और बल्लू को फ्लीट भैया, मतलब मैं। ओ भाई साहब, तो इसका मतलब कि कुछ तो किया है भाई उन लोगों ने। और सबसे खतरनाक बात है कि जो बंदा जो डिस्ट्रक्शन डीमन है भाई, उसको ये लोग ड्रैकुला कह के भी बुलाते हैं। कहने का मतलब है वो सामने वाले बंदे की पावर्स को छीन लेता है, उसे वीक बना देता है। आज तक का उसकी पूरी लाइफ में जो कि पता नहीं 200 300 400 कितने सालों की लाइफ होगी, उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, जिसकी वजह से वो नए नए प्रेस को लेते रहता है।
अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बल्लू का क्या काम है इन सब चीजों में, मतलब उसको क्या मिलेगा, वो उसको क्या चीज हासिल होगी इसके बाहर से जैक को ले जाके। अरे भाई मुझे सच्ची में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं तो थैंकफुल हूँ कि भाई देव और रॉनी एटलीस्ट मेरे साथ हैं, हम लोग कैसे ना कैसे करके भाई जैक को बचा लेंगे। बट अभी के लिए हम लोगों को कमांडर ने उनकी जगह भी बता दी है, कहने का मतलब वो कहाँ पर रुके हुए हैं वो भी बता दिया है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन डीमन ड्रैकुला है वो सिर्फ एक ही जगह रह सकता है और वो है उसके कासल में। तो हम लोगों को अगर जैक को बचाना है तो हम लोगों को उस ड्रैकुला के कासल के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ जाके जैक को बचाना पड़ेगा, जो कि आसान काम नहीं होने वाला दोस्तों।